हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको SPTube YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपको मैरिज प्रूफ की जरूरत है, जैसे कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है, कहीं आपके ऑफिस में मांगा जा रहा है कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट जमा करिए, तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप मैरिज सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और कैसे ऑनलाइन करके आप मैरिज सर्टिफिकेट को पा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलने वाला है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, परेशान ना होइए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं। दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की लिंक पे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का लिंक मिल चुका है, तो दोस्तों इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप india.gov.in के वेबसाइट पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ चुके हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे ओपन हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको इस लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलेगा स्टेट का, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 10 कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पे बारी बारी से क्लिक करके आपको अपना स्टेट चेक कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से फिल कर लेना है, ओके। तो आइए मैं आपको लाइव फिल करके आपको फॉर्म को फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यूनिट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको मेन ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिटी का नाम भर देना है, जो भी आपका सिटी है वो भर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्यू ऑफ मैरिज, यहाँ पे आप जैसे ही मैरिज किए हुए हैं आप यहाँ पे अपना मैरिज पैलेस यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी हो यहाँ पे आप अपना भर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैलेस ऑफ मैरिज का ऑप्शन यहाँ पे आपको भर देना है, जहाँ भी आपने शादी किया हुआ है यहाँ पे आपको जो हो यहाँ पे भर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना लोकेलिटी भर देना है, ठीक है। लोकेलिटी भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेट ऑफ मैरिज का डेट यहाँ पे भर देना है, जिस डेट को आपकी शादी हुई थी वो डेट यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैरिज फी आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैरिज फोटो, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिज फोटो मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दूल्हा दुल्हन दोनों का एक मैरिज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, साथ वाली फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउड ब्रूम इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ब्राउड ब्रूम का अप्लीकेशन यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ब्राउड ब्रूम का यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा कुछ यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउड ब्रूम का मदर या फादर का नेम यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेशन भर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको एज भरना है कि आपके शादी के टाइम आपका क्या एज था, यहाँ पे आपको एज भर देना है, ठीक है। ईयर और मंथ यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द टाइम मैरिज, दोस्तों यहाँ पे आप शादी के टाइम अनमैरिड थे या मैरिड थे, जो भी यहाँ पे थे आप यहाँ पे आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना लोकेलिटी भर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ऑफिस का एड्रेस भर देना है, अगर आपका ऑफिस एड्रेस नहीं है तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे आप भर देंगे, ओके।
और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन भरना है कि क्या आप करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप भर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको ब्राउड ब्रूम का एक फोटोग्राफ, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है, अगर आपका आधार नंबर है तो यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेट भर देंगे, सिटी भर देंगे, और यहाँ पे आप एक अपना फ़ोन नंबर भर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भर देंगे, और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी भर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप हैंडीकेप हैं तो यहाँ पे आप अपना हैंडीकेप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिर से आपको अपना ब्राइड इन्फॉर्मेशन भरना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ब्राइड इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे वहाँ पे आप ब्राउड ब्रूम का ऑप्शन भरे हुए थे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही भर देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भर देना है, मदर नेम, फादर नेम जो भी हो भर देना है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन भर देना है, यहाँ पे आपको शादी के साल आपका एज क्या था यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैरिज का टाइम आप वैसे ही भर देना है, अनमैरिड थे, मैरिड थे, जो भी थे यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना लोकेलिटी भर देना है, ऑफिस एड्रेस है तो भर देना है, नहीं तो आपको अपने घर का एड्रेस भर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन भर देना है, जो भी आप करते हैं वो भर देंगे। और दोस्तों वैसे यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है, स्टेट भरना है, सिटी भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, ईमेल आईडी भर देना है, ठीक है। सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ब्राइड का एक फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्राइड का एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप हैंडीकेप हैं तो यहाँ पे आप हैंडीकेप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो भर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे आपको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको विटनेस इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दो विटनेस देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउड ब्रूम के तरफ से दो विटनेस का यहाँ पे नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विटनेस का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे सन ऑफ देना होगा, डॉटर ऑफ देना होगा, जो भी है नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आधार नंबर दे देंगे, ऑक्यूपेशन दे देंगे, रिलेशनशिप यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना है, और उनका एज बता देना है, और उनका यहाँ पे एड्रेस भर देना है, ठीक है। जो भी एड्रेस हो यहाँ पे आप अपने भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों उनका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सेकंड विटनेस का इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे दे देंगे, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी आपके माता पिता का नाम है यहाँ पे भर देना है, आधार नंबर देना है, ऑक्यूपेशन देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको रिलेशनशिप आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है, एज भरना होगा, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है, ठीक है। और दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे उनका भी एक फोटोग्राफ्स अपलोड कर देना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको ब्राइड का विटनेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपने ब्राउड ग्रूम का इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है विटनेस का, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दोस्तों यहाँ पे ब्राइड विटनेस का यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे देना होगा, डेटर ऑफ सन ऑफ जो भी है भर देना है, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे आपका उनका एड्रेस भर देंगे। सेम उसी तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, और यहाँ पे उसी तरह से उनका भी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ओके दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे सेकंड विटनेस का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है भर देंगे, और यहाँ पे आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे रिलेशन, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे उसी तरह से एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, सारा डेटा को फिल कर देना है। और यहाँ पे सेकेंड विटनेस का भी एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देने होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सारा कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चेकलिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैरिड इन्विटेशन कार्ड यहाँ पे आपको देना होगा, जो आपने मैरिड इन्विटेशन कार्ड छपवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे देना है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ मैरिज, यहाँ पे आपको वहाँ पे इनका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको भरने होंगे, ठीक है। ये कॉमन है, यहाँ पे आप दोनों भर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको कुछ देने होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउड ग्रूम का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे ब्राइड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको अगर इन दोनों का पासपोर्ट है तो यहाँ पे ब्राउड ग्रूम का पासपोर्ट देना होगा, और यहाँ पे ब्राइड का पासपोर्ट दे देंगे, ठीक है। नहीं है तो छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ एज यहाँ पे आपको देने होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है
दोस्तों यहाँ पे आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दे देना है ब्राउडरूम का, और यहाँ पे ब्राइड का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया है, जो भी है आप डाल देंगे, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे, आप एक कोई सर्टिफिकेट दोनों लोग का एक एक यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है, लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे आपको देना होगा एक, ठीक है। यहाँ पे ब्राउड ग्रूम का देना है और यहाँ पे ब्राइड का देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ एक देना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे राशन कार्ड अगर है तो दे देंगे, ठीक है। अदर यहाँ पे आपको कोई भी हो तो यहाँ पे आपको नाम भर के भर देना है, ठीक है। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड जो भी है यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे ब्राउड ग्रूम का देंगे और यहाँ पे ब्राइड का सेम वैसे ही भर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर देना है, यहाँ पे चेक लगा देना है, ठीक है। चेक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका मैरिड फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा सबमिट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है, या आपको पोस्ट ऑफिस जाके आपको खुद कलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। हफ्ते से 10 दिन में आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, आपको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करके आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।